हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोग आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं बताऊंगा पेटीएम पेमेंट बैंक से किसी भी बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों वही बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों पेटीएम अकाउंट में दो तरह का पैसा भेजने का सिस्टम दो। अगर दोस्तों बैंक से भेजते हैं कोई चार्ज नहीं कटेगा पैसा भेजने का। दोस्तों अगर दोस्तों आप वॉलेट से भेजते हैं दोस्तों को कुछ रुपये चार्ज कटेगा पैसा भेजने का। दोस्तों मैं बताऊँगा दोस्तों किस तरह से किसी बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ऐसे से रिलेटेड भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए आपको पेटीएम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पेटीएम अकाउंट जैसे ही फ्रेंड्स ओपन करेंगे फ्रेंड देख सकते हो पेटीएम अकाउंट का कभी कभी साइड चेंज होता रहता है। नीचे में आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, बैंक का ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों इसका साइड चेंज हो गया। दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग एंड फिनिश पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ बैंक का ऑप्शन है, पेटीएम मनी का ऑप्शन। दोस्तों मुझे बैंक पर क्लिक करना है। बैंक पर जैसे ही क्लिक कीजिए आपके पासवर्ड फ्रेंड्स यहाँ पासवर्ड डाल लीजिए। चलिए मैं डाल लेता हूँ फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड डाल लिया यहाँ पर। आप देख सकते हो फ्रेंड दूसरा इंटरफेस खोल कर फ्रेंड्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मेरा डेबिट कार्ड है। अब दोस्तों देखिए ऐड मनी कर सकते हो, सेंड मनी कर सकते हो, पासबुक ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे सेंड मनी करना है तो सेंड मनी पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। सेंड मनी पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से तरीके से पैसा भेज सकते हो। नाम अपना नाम से भेज सकते हो, मोबाइल नंबर भी जो बैंक में मोबाइल नंबर डालें वो मोबाइल नंबर डालिएगा या यूपीआई डालिएगा, इससे भेज सकते हैं। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्कैन क्यूआर कोड से भेज सकते हो पैसा दोस्तों टू बैंक अकाउंट। दोस्तों मुझे टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डालना है अकाउंट नंबर डालना है फ्रेंड्स, यहाँ IFSC कोड डालना है फ्रेंड्स, आपको नेम डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ पूरा डिटेल्स यहाँ पर फ्रेंड्स में। और फ्रेंड्स मुरा मैंने पूरा डिटेल डाल लिया। पॉलिसीट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, पॉलिसीट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालने का रहा। चलिए अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, कंफर्म पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितना अमाउंट भेजना चाहते हैं यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। चलिए मैं 100 रुपये भेजना चाहता हूँ, 100 रुपये डाल लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स पॉलिसीट पर क्लिक करना। और फ्रेंड्स जो भी MPIN यहाँ पर सेट करे वो MPIN यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स। चलिए मैं डाल लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं MPIN डाली, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा एक घूम रहा है यहाँ पे फोरा, इसको घूमने दिए पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी देख सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल दोस्तों यहाँ पे हो गया है और मेरा यह पैसा बैंक में पहुँच चुका है। दोस्तों अब चलिए मैं बैक आ जाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। अब मुझे जाना है फ्रेंड्स वॉलेट से पैसा भेजना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पासबुक पे जाना है। पासबुक पे जैसे फ्रेंड जगह अपना यहाँ पासवर्ड डाल लीजिए, जो भी पासवर्ड है मोबाइल का स्क्रीन लॉक है फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ वॉलेट पे जाना है फ्रेंड्स, आपको वॉलेट पे जैसे जाएंगे फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे मुझे भेजना है तो यहाँ पे सेंड मनी करना है तो यहाँ सेंड मनी टू बैंक पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं 100 रुपये भेजना चाहता हूँ कितना चार्ज कटेगा। देखिए मैं 100 रुपये भेजूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ 5 रुपये चार्ज कटेगा। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 1000 रुपये भेजता तो मुझे 50 रुपये चार्ज यहाँ कटेगा। दोस्तों देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे सामने में अगर मैं यहाँ पर 10,000 भेजता हूँ 500 रुपये हमारा चार्ज कटेगा। दोस्तों चलिए बैक आ जाता हूँ, मुझे यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना। चलिए मैं बैक आ जाऊँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं, चलिए मैं बैक आ जा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपने ऐड मनी भी कर सकते हो दोस्तों, पैसा ऐड कर सकते हो दोस्तों, डेबिट कर से किसी भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जितना टका ऐड करना चाहते हो उतना टका ऐड यहाँ पर डालिए फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए फ्रेंड बैक आ जाता हूँ फ्रेंड। देखिए दोस्तों स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो पेटीएम अकाउंट का दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा देखिए मैंने कितना कितना रुपए मैंने देखिए रिचार्ज करा था 199 का मैंने 150 रुपये का दोस्तों, 155 का 20 रुपये, 50 रुपये, 199 ऐसे ऐसे फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे। बैक आता हूँ फिर यहाँ पे। अगर दोस्तों पैसा आपको भेजना होता है यहाँ पे बैंकिंग एंड फिनिश पे जाएंगे, बैंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो पासपोर्ट यहाँ पर दोस्तों अपना डालेंगे। पासपोर्ट जैसे डालेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र फ्रेंड्स जाएंगे, आपको मनी ट्रांसफ़र जैसे जाएंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट पे जाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पे जिस भी बैंक में भेजना चाहते हैं अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे फ्रेंड्स, होल्डर का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे
अभी दोस्तों प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, आपको कन्फर्म अकाउंट नंबर डाले का अकाउंट नंबर डाल के दोस्तों आपको अमाउंट डालने का, जितना अमाउंट भेजना चाहते हैं प्रोसेस पर क्लिक कर देना फ्रेंड्स। चलिए मैं बैक आता हूँ फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आप स्कैन करके भेजना चाहते हैं, स्कैन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जहाँ भी QR कोड होगा इसको दोस्तों यहाँ पे स्कैन करेंगे दोस्तों, स्कैन ले लेगा, पैसा भेज सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ पर भेजना चाहते हैं UPI आईडी से भेज सकते हो दोस्तों, नाम से भेज सकते हो दोस्तों, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है दोस्तों, देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मैं बैक आता हूँ दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप किसी बैंक में यहाँ से बैलेंस भेज सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों पूरा जेन्युइन एप्लीकेशन दोस्तों, कोई फेक एप्लीकेशन दोस्तों नहीं है। देख सकते हो दोस्तों मेरे अकाउंट में 104 रुपये था, तो यहाँ 4 रुपये बचा, मैंने 100 रुपये ट्रांसफर फ्रेंड्स यहाँ से कर दिया है। आई होप।